देवों के देव महादेव का महान पर्व शिवरात्रि पूर्णिया में बड़े ही उत्साह पूर्वक बड़े ही धूमधाम पूर्वक प्रारंभ हो चुका है और शुरुआती दौर में पूर्णिया के भक्तों ने इस पर्व को जिस तरह से शुरू किया है वो हम दिखाना चाह रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से कलश यात्रा के जरिए डीजे बजाते हुए भक्ति गानों पर लोग कलश यात्रा निकाल करके जल भराई का रस्म पूरा करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं लड़कियां शामिल हैं इसमें और खाली पैर माथे पर कलश लेकर भ्रमण जाकर के जल भराई का रस्म करेंगी। उसके बाद उस जल को यज्ञ स्थल पर समर्पित किया जाएगा और फिर वहां से यज्ञ जो विधिवत शुरुआत है एक तरह से कह सकते हैं पूजा पाठ वो इसी जल से किया जाता है। तो इसका काफ़ी महत्व है और बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है और इस तरह का कलश यात्रा पूर्णिया में कई जगह निकाले गए हैं। मंदिरों को खासतौर से सजाया गया है और साफ सफाई की गई है और बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धापूर्वक काफ़ी भावनात्मक तरीके से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और कलश लेकर के इसमें खासतौर से लोग जो महिलाएं हैं युवतियां हैं काफ़ी भाव विभोर हैं और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ भक्तिमय माहौल यहाँ बनता हुआ दिख रहा है और चित्रवाणी से ये कलश यात्रा निकाली गई है और फिर चित्रवाणी जो काली मंदिर है शिव मंदिर है वहाँ ये लोग जल को समर्पित करेंगी। लेकिन जो कमेटी के लोग हैं वो काफ़ी चौकस दिख रहे हैं। कमेटी के लोग तमाम लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं सुरक्षा में लगे हुए हैं और महिलाएं लगातार देख रहे हैं कि काफ़ी भावनात्मक तरीके से काफ़ी भक्ति भाव से बाबा भोले की पूजा अर्चना आराधना करने में लगी हुई हैं और उसमें जो पुरुष वर्ग हैं वो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और डीजे के साथ ढोल बाजे के साथ एक तरह से कलश यात्रा निकाली गई है ताकि लोगों को ये लगे कि पूर्णिया में इस पर्व को मनाने वाले काफ़ी उत्साहित हैं काफ़ी उत्साहपूर्वक इस पर्व को मना रहे हैं। निश्चित रूप में जो परिधान है जो हमारा परंपरागत ड्रेस है जब हम कलश यात्रा में शामिल होते हैं तो किस तरह का ड्रेस हमारा होता है अधिकतर महिलाओं ने अधिकतर युवतियों ने पीले रंग का ड्रेस पहना है साड़ियां पहनी हैं क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है कि हम इस मौके पर किसी तरह का यूनिफॉर्म ड्रेस कपड़े पहनते हैं। आप देख लीजिए किस तरह का मंजर है पूर्णिया में। मैं खासतौर से बता दूं कि पूर्णिया में बड़ी संख्या में शिव मंदिर हैं और बड़ी संख्या में भगवान भोले के भक्त हैं और तमाम लोगों में इस पर्व को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है काफ़ी इंतजार रहता है और साल में एक बार वो अवसर आता है जब लोग इसमें शामिल होकर के इस पर्व को काफ़ी उत्साहपूर्वक मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोले और माता पार्वती का विवाह का दिन है ये और विवाह होने से पहले जितने रस्म किए जाते हैं लगभग उतने ही रस्म प्रतिवर्ष इस मौके पर किया जाता है। कई जगहों से बरातियां निकाली जाती हैं और उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं प्रदर्शनी होती है कलाकार युवा वर्ग भगवान भोले और माता पार्वती का रूप धारण करके ये प्रदर्शनी में दिखाते हैं कि भगवान भोले और माता पार्वती की शादी तरह से हुई थी और बारात इस तरह से निकली थी तो उस क्षण को याद दिलाने के लिए खासतौर से किया जाता है और इस तरह से कलाकार स्वांग रचते हैं। आपको लगेगा कि बहुत कुछ हम रियल ही देख रहे हैं तो निश्चित रूपेण जो भक्ति भाव है वो काफ़ी दिख रहा है
और काफ़ी उत्साह से यहाँ पर्व मनाया जा रहा है। और मैं ख़ास तौर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देख लीजिए किस तरह का मंजर है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूर्णिया के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से कलश यात्रा निकाली जा रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रखंड स्तर पे भी काफ़ी कलश यात्राएँ निकली हैं और उसका भी मंजर आप देख पाएंगे। लेकिन ये अभी चित्रवाणी का है, चित्रवाणी काली मंदिर शिव मंदिर से इस कलश यात्रा को निकाली गई है, जिसमें वहाँ के कमेटी के लोगों ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और महिलाएं पूरे भक्ति भाव से इसमें शामिल हुई हैं। माथे पे कलश लेकर के नदी तालाब की ओर जा रही हैं, पैदल मार्च कर रही हैं। और ख़ास तौर से मैं बता दूं कि कलश यात्रा में जो भी महिलाएं हिस्सा लेती हैं वे खाली पैर भ्रमण करती हैं और जल भराई करने के बाद उस जल को सीधा यज्ञ स्थल पर मंदिर प्रांगण में समर्पित कर दिया जाता है कमेटी को, ताकि उस जल से फिर बाकी के जो पूजा अर्चना है उसको प्रारंभ किया जा सके। तो ये एक काफ़ी अहम, कह सकते हैं कि जल भराई का जो रस्म है वो काफ़ी अहम है। निश्चित रूपेण इसी से हम कह सकते हैं कि जो पर्व है उसकी शुरुआत हो गई है और पूर्णिया में इसका काफ़ी बेहतर नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और हम कोशिश करेंगे निकाले गए हैं उन तमाम जगहों से आपको कवरेज दिखाऊँ। बहरहाल हम अभी काली मंदिर शिव मंदिर ये जो कलश यात्रा निकली है उसको दिखा रहे हैं, उसका नज़ारा आपके सामने है। पैदल भ्रमण करते हुए डीजे के गानों पर भजन पर लोग झूमते हुए पैदल मार्च कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सुहावना अवसर है, ये काफ़ी सुहावना दृश्य है। ये निश्चित रूपेण देख लीजिए, हम कुछ बात भी कर लेना चाहते हैं। क्या कहेंगे मैम किस तरह का आज है? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चित्रवाणी सेवा समिति के द्वारा कलश यात्रा आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर निकाला गया है। और ये चित्रवाणी काली मंदिर से निकल के कालीबाड़ी चौक अरनसा चौक होते हुए आस्था मंदिर होते हुए पुलिस ठकुरबाड़ी में बाबा शिव को चढ़ाया जाएगा और शाम को बारात निकलेगी। इस पर्व का कितना इंतजार रहता है आप लोगों? बहुत इंतजार रहता है, हम महिलाओं के लिए ये पर्व बहुत ही मायने रखता है। और ये पर्व करने से कहा जाता है कि जो कुमारी लड़कियाँ होती हैं उन्हें भी अच्छा वर मिलता है और जो सुहागन होती है वो सदा सुहागन रहती है, इसलिए हम लोग इस पर्व को बहुत ही दिल से और बहुत ही इंतजार करते रहते हैं कि ये पर्व आवे और हम लोग इसमें सम्मिलित हो मनाएं। अच्छा, महिलाओं में किस तरह का उत्साह है खासतौर से कलश यात्रा को लेकर? बहुत उत्साह है, महिलाएं इंतजार करती है कि कब कितने बजे निकलेगी और बार बार आके भी जब एक हफ्ता भी रहता है तो पूछते रहती है कि कितने बजे निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, सभी को इंतजार रहता है इसमें। अच्छा, इस अवसर पर लोगों के लिए खासतौर से क्या मांगेंगी आप कि भगवान भोले लोगों के कल्याण के लिए क्या कुछ करें? बिल्कुल, आज जो ये विश्व जो में जो महाशिव पर्व हम लोग चाहते हैं कि जो भी महामारी है बाबा भोले इसको लेके जाए और हम सबको पूरे समाज में पूरे देश सुरक्षित रहे इस बीमारी से। भोले बाबा से यही प्रार्थना है। शुक्रिया आपका। तमाम वार्ड पार्षद हैं सरिता राय और इनकी अगुवाई में ये कलश यात्रा यहाँ निकाली गई है और आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ काम हो रहा है, किस तरह से भक्तिभाव भक्तिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना किया जा रहा है। वो तमाम चीज़ें आपको हम खास तौर से कोसी आलोक न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप लोगों से हमारा खास गुजारिश है, कोसी आलोक देखने वाले हमारे जो भी दर्शक हैं उनसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि
कोई भी खबर हो वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। और आपको पता है कि कोसिया लोग हमेशा खबर से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है और कोशिश करता है कि जो सच्ची बात है वो आप तक पहुंचे और जो रियल चीज़ें हैं वो आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच जाए, यही हमारा मकसद है और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको भी चाहिए कि कोसी आलोक को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आपको कहीं से हम ये भरोसा दिलाते हैं कि आप किसी भी खबर में पीछे नहीं रहेंगे। बहरहाल ये चित्रवाणी रोड से जो कलश यात्रा निकली है ये भ्रमण करने के बाद फिर चित्रवाणी काली मंदिर में ये तमाम महिलाएं कलश लेकर के पहुंचेंगी, उसमें जल जो भराई का रस्म होगा उसको पूरा करने के बाद वहां समर्पित कर देंगी और उसके बाद वहां से बाकी का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगा। बहरहाल सहयोगी आनंद किशोर के साथ मैं संजय कुमार।